What's up guys, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे दिन भर में मैं क्या क्या करता हूँ, कैसे कैसे करता हूँ, क्या मेरा रूटीन रहता है, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले उठने के बाद मेरा एक काम रहता है, वो बताता हूँ। फाइनली सबसे पहले अपना फोन जो यहाँ पर होता है वो मैं सबसे पहले निकालता हूँ और चेक करता हूँ नोटिफिकेशन। जीमेल उमेल चेक करना होता है, व्हाट्सअप चेक करना होता है, मतलब जो भी सोशल मीडिया पर सारी चीजें चेक करनी होती है। मतलब ये सारी काम मैं कर चुका हूँ, दोबारा से री रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले करा लिया, ये मैं कर चुका हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं पूरा दिन भर अपना व्यतीत करता हूँ। तो इसके बाद सबसे पहला मेरा काम रहता है कि मैं आता हूँ उठकर अपने खेतों की तरफ। इधर हमारे पेड़ हैं, ये मतलब यही है हमारा सब कुछ। मतलब ये समझ लो कि हेल्थी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सारी चीज़ों में से सबसे पहले चुनना हो तो मैं चुनूंगा हेल्थ को। बट ये देख रहे हो अपनी हालत कुछ ऐसी हुई पड़ी है। बट इसका मतलब ये नहीं है मैं हैवी नहीं करता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं करता हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए, नॉर्मली ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो अब चल रहे हैं हम पेड़ों में, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, इसके साथ ही रनिंग वनिंग करूँगा मैं, और जो भी करूँगा मैं आपको दिखा दूँगा। और यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा भी लगता है। मतलब ये देखो, इधर से अपना सूरज आ रहा होता है, ये आवाज़ सुन रहे हो, देखो ये पता तो नहीं है कहाँ से आ रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिल को शांति प्रदान करती है ये। तो फाइनली अपने ग्राउंड में पहुंच चुके हैं जहाँ पर रनिंग वनिंग होती है। मतलब इस पूरे गांव के लोग इधर हो गया परमानेंटपुर, गौशाला, टांडा, सारे गांव के लोग इस उसमें आते हैं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये पूरा एक गोल टाइप का है, ये देखो यहाँ से ये ऐसे पूरा गोल टाइप का हो और ऐसे आता है। यहाँ पर रेसिंग होती है, रेस करते हैं, दौड़ लगाते हैं, दौड़ किस चीज़ की, आर्मी की रेस। यहाँ पर बहुत सारे लौंडे निकल भी चुके हैं यहीं पर। मतलब मैं भी तीन चौथे पांचवें नंबर पे आया था, मैंने भी लगाई थी रेस वेस, तो यहीं पर था वो। और उधर होती है जब सबके चक्कर पूरे होते हैं, वहाँ पर करते हैं लोग एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आने के बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पर दो तीन चक्कर, दो मिनिमम, दो अधिक से अधिक चार लगाता हूँ, चार से ज़्यादा नहीं लगाता। जैसे चक्कर पूरे हो जाते हैं, चक्कर लगाने के बाद आता हूँ मैं पुशअप्स पे। चलिए अब पुशअप्स करते हैं। अब जैसे ही ये सारे पुशअप्स हो जाते हैं, मैं अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लगाता हूँ। मैं अंधाधुंध नहीं लगाता कुछ भी, शरीर पे ज़्यादा लोड नहीं डालता। इसके बाद जाते हैं हम, दिखाता हूँ आगे अब क्या करते हैं। तो भैया ये जो आपने वीडियो देखी थी अभी क्लिप, ये भाई जी ने हमारे रिकॉर्ड करी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे पकड़ के भाई को लेकर आया था, यही घूम रहा था। मतलब आते हैं ना लोग वहाँ घूमने के लिए, तो वहीं घूम रहा था, हमारे गांव का ही है, मतलब मेरा छोटा भाई की तरह ही। तो इतना होने के बाद और बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि यही दो तीन उठक बैठक लगाते हैं और दो पाँच मिनट का फुल वर्कआउट मैंने एक याद कर रखा है वो कर लेता हूँ मैं। उससे ये होता है कि बाहर से चाहे कैसा भी हो, अंदर से जितना भी सिस्टम होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, अच्छे से वर्क करने लगता है। इतना होने के बाद अभी तक ना तो मैंने कुछ खाया है ना पिया है, मतलब अभी तक कुछ नहीं किया है। इतना होने के बाद अब एक छोटी सी चाय आती है, मेरी सिस्टर लेकर आती है, और जो भी खाना पीना होता है वो करते हैं। अब यहाँ तक तो रहा एक्सरसाइज का मामला, अब आता है देखो काम। सबसे पहले पीसी है यहाँ, यहाँ पर करते हैं स्टार्ट, और यहाँ से करते हैं ओपन एंड लॉक। अब हो गया हमारा पीसी स्टार्ट। अब जैसे ही मॉर्निंग में मैं उठता हूँ तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट आ चुकी होती है, जो कि हमारा चैनल है उसके लिए एक स्क्रिप्ट आ चुकी होती है, और एक आर्टिकल आ चुका होता है, हमारी वेबसाइट है और वो है, दोनों के आ चुके होते हैं। मतलब मेरे भाई लोग ही करते हैं काम उसके लिए। चलो अब अगर हम देखेंगे तो अब हमें क्या करना होता है बताता हूँ। अभी मैं ज़रा कैमरा नीचे के लिए रख देता हूँ। अब इसके बाद मेरा यही काम है कि मुझे वॉइस ओवर करके देना है, जिससे कि वो वीडियो बना करके दे सकें। पंखा बंद कर दिया वीडियो के लिए। एक खास बात बता नहीं थी कि बहुत जल्दी ही कुछ नया होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है। देखिए यहाँ पर खड़ा हुआ मैं,
और इस टाइप से बोला करूंगा। और एक बात बतानी थी आप सभी को कि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो ये समझ लो गोल्डन पॉइंट है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि यार आपको कुछ ऐसी चीज मिले, आपको वैल्यू मिले जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। तो अगर आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं तो यकीन मानिए अपने आप को पॉजिटिव रखना बेहद ही जरूरी है। पॉजिटिव रखने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, जैसे आपने देखा कि मैं गया था सुबह मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में जाते वक्त मैं कुछ चीजें सुनता हूँ। ये है देखो गाइस कुको एफएम का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 1 ईयर का, 400 रुपए का है, 399 रुपीज का कुको एफएम का था। और यहाँ पर कुछ ऑडियो बुक समरीज है। आप यकीन मानिए अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको बता सके, क्योंकि अगर वही इंसान आपको बता सकता है जो उस फील्ड में माहिर हो। अगर आप डॉक्टर से डॉक्टर की बातें पूछेंगे तो वो बताएगा, डॉक्टर से आप टेक्निकल चीज़ें पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं या बहुत ऊंचाइयों तक जाना, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी, देखनी, उनकी स्टोरी सुननी पड़ेंगी। तो उसके लिए ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। अभी तक जैसे सचिन तेंदुलकर की स्टोरी हो गई, यहाँ पर इतना फ्री में कुछ मिल रहा है। हाँ ये देखो सक्सेसफुल हैबिट्स हो गई, मैंने कुछ चीज़ें कर दी हैं, सक्सेसफुल हैबिट्स हो गई, रिच एंड पुअर डैड हो गई, स्वामी विवेकानंद की स्टोरी हो गई, चाणक्य नीति हो गई। ऐसी बात नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट नहीं करता हूँ गाइस, देख लो मैं भी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब टाइम हुआ है 10 बज चुके हैं पूरे, और अब टाइम हो चुका है हमारा रिकॉर्डिंग का टाइम। देख लीजिए कैसा होता है वॉइस ओवर। इधर है हमारा माइक, पूरा साउंड प्रूफिंग रूम बना रखा हूँ, और कुछ एक्सरसाइज करता हूँ मैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कुछ एक्सरसाइज हैं वॉइस ओवर करने के, वॉइस ओवर के टिप्स चाहिए तो भी बता देना, तुम्हारा भाई बना देगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ एक्सरसाइज होती है, मतलब गला को खोलना होता है वॉइस ओवर करने से पहले, नहीं तो ये वो ऑयली वॉइस नहीं आ पाती है जो उनसे आप देखते हो। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ऐसे टूल। यही दिक्कत होती है अब जैसे मैं वॉइस ओवर करता हूँ बाहर से कोई आ जाता है। तो दोस्तों वॉइस ओवर का काम हो चुका है। वॉइस ओवर का काम मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम आधा आधा घंटे तक कभी कभी मुझे लग जाता है। इतना होने के बाद अब बात आती है ऑडियो को एडिट करने की। आप यकीन मानिए पूरा पसीने में तर हो जाता हूँ मैं, पंखा बंद करना पड़ता है, अब पंखा स्टार्ट करूंगा मैं। शांति मिली है थोड़ी। ऑडियो को एडिट करने के लिए हम यूज करते हैं Adobe Audition। अब ऑडियो तो फाइनल हो चुकी है, अभी मैंने आपको दिखाया था, अब चलेगी हमारी एडिटिंग। और एडिटिंग करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ ये प्रीमियर प्रो। एडिटिंग तो मैं बाद में करूँगा, पहले सबसे पहले भाई मैं नहा लेता हूँ, मतलब 12 बज चुके हैं, पूरी तरह से 12 बज चुके हैं, अब नहाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका पड़ा हूँ, पसीना आया होगा तो नहा लेता हूँ। वैसा नहीं है कि मैं रोज़ नहाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं बता दूँ मैं रोज़ नहाता हूँ, नहीं 2 या 3 दिन में एक बार तो मैं पक्का नहा लेता हूँ, 2 या 3 दिन में नहा लेता हूँ एक बार। तो भैया नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं इस वक्त, मतलब बिल्कुल फिट। अब बैक टू अपने काम पर आते हैं, 12:30 बज चुके हैं, और अब हमारा एडिटिंग का जो काम रह गया था वो एडिटिंग का हम काम करेंगे। इसके साथ ही थोड़ी देर में भी खाना बनना है हमारे रसोई में, खाना आने वाला है, खाना खाते हैं, दिखाता हूँ आज खाने में क्या बना है, बस बने रहना। और हाँ शाम को एक बहुत ही खास चीज़ करता हूँ मैं, वो जरूर देखना यार आपको अच्छा लगेगा। एडिटिंग 3:30 तक की हो चुकी है, और इधर आ चुका भैया हमारा खाना, और आज ये हमें चावल मिले हैं। ओफो किसके मुंह में पानी आ रहा है मुझे जरूर बताना। अब खाने को फिनिश करते हैं। ओके समय हुआ है 12:00, 2 बज चुके हैं, 2 बजे मिला भैया आज खाना। भाई साहब मज़ा ही आ गया यार, आज तो चावल इन्होंने कुछ अच्छे बनाए हैं यार, माइंड ब्लोइंग चावल बनाया आज तो, मज़े आ गया। इसके साथ सब्जी भी है इधर। खाना खाने के बीच कुछ वीडियोस होती हैं जो मुझे देखनी होती है, वो देखनी होती है। ये वाली वीडियो रह गई थी भाई, मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी थी, इस वीडियो को पूरा देखना है, नॉलेजेबल वीडियो है ये, और एक और वीडियो देखनी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं 3:27 हो चुके हैं, हमारी वीडियो फाइनली एडिट हो चुकी है, रेंडर भी हो गई है, अब मैंने ये अपलोडिंग पर लगा दी है।
अपलोडिंग पे लगा दी है। अब ये अप्रोक्सीमेटली देखो कितना, 2 घंटा दिखा रही है यार, देखो तो तुम। अब ये मैटर करता है स्पीड पे, कभी बढ़ जाती है स्पीड, कभी कम हो जाती है। मेरे पास आइडिया का नेटवर्क है, देख लेंगे। अब अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट में तो हो ही जाएगी, 2 घंटा दिखा रही है, तो अब स्पीड अच्छी आने लगेगी थोड़ी देर बाद। तो इसके बाद अब क्या करते हैं, अब जाते हैं हम वॉलीबॉल खेलने, नहीं वैसे घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ सुबह गए थे अब दोबारा से वहीं जाते हैं, क्योंकि बोर हो चुका हूँ बैठे बैठे यहाँ पर। बड़ी सतर्कता बरतें, यह सीधा अब हार्ट अटैक बना दे रहा है, ये मत समझना कि पहले की तरह का। तो अब समय हुआ है, पूरे 7 बज चुके हैं शाम के, और अब समय हुआ है हमारी वीडियो अपलोड करने का। तो 7 बजे हमारी वीडियो पब्लिक होने वाली है, देख लेना आप, कल को देखोगे आप तो। और आज 3 मई है, आज 3 मई का ये पूरा फुल डे का शेड्यूल मैं आज शूट कर रहा हूँ। मुझे बताना कि अगर आपको ऐसा ही और शेड्यूल चाहिए तो बताना। इधर चाय इधर आ गई है, मेरी मम्मी जी ने हमारी चाय बना दी है। और 8:29 और ये देखिए साहब, आज का खाना आ चुका है। ये बने हैं हमारे, ठीक है, टमाटर, और इसी के साथ एक और सब्जी है जो कि ये कड़ी, अभी खाकर बताता हूँ कैसी है। और खाना खाते खाते संदीप माहेश्वरी की न्यू वीडियो आ गई है, जो कि हमारे गुरु मान सकते हैं, उनकी वीडियो आ चुकी है, तो वो ही देख रहा हूँ इस वक्त। दिल बैठ गया, इसलिए नहीं कि हम लास्ट थे, पर इसलिए कि हमारा दोस्त फेल हो गया था। समय हुआ है 9:44, ये देखिए 45 हो गए हैं। और अब हमारा एक दूध का गिलास आ चुका है, मेरी मम्मी मेरे को मलाई भी देती हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती है मेरी मम्मी उससे। और इसके साथ ही ये है, अब ये क्या है, इसके अंदर 5 से 5 यानी 10 से भी ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे चने हो गए, बादाम, छुआरे, काली मिर्च, अरे पता नहीं क्या क्या मिल रखा है। अगर आपको ये कैसे बनाया मैंने वो देखना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इस वीडियो का लिंक दे दूँगा जिससे मैंने ये बनाया है। अब क्या करता हूँ, इसे 2 चम्मच इस दूध में मिलाता हूँ और पीता हूँ, और लास्ट में मैं कुछ ऐसी सोने से पहले कुछ एक ऐसी चीज़ करता हूँ जो अभी आप देखिए क्या होती है वो। मैं ऐसी किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करता जो जेन्युइन नहीं हो, ये एक प्रकार से जेन्युइन चीज़ से बनी हुई है। इसके प्राइस की बात करें तो 200 रुपये में ये बन गया था, इतना सा मतलब 200 रुपये में 500 ग्राम बन गया था, 10 दिन 15-20 दिन हो गए इसे, ऐसे चल रहा बिल्कुल मज़े से। और समय हुआ है 10 और अब टाइम हो चुका है कंप्यूटर को बंद करने का, करते हैं यहाँ से स्लिप। सोने से पहले एक काम करता हूँ, फेस वॉश मतलब ऊँट होता हूँ मैं, और फिर आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या करते हैं। जैसे ही 10 बज जाते हैं ये फ़ोन जाता है इसके अंदर, 10 बजे के बाद मैं इस फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता हूँ, बहुत रेयर केसेस में छेड़ता हूँ, माना किसी ने कॉल किया रात को तो तभी उठाता हूँ, लेकिन 10 बजे के बाद मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ अभी दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम, 10:00+ हो चुका है, और अब समय हुआ है, अब जो भी लोग यहाँ तक मुझे देख रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि जो चीज़ मुझे चाहिए यानी कि जो मैं पाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, वो सिर्फ़ इंडिया के 100 लोगों के पास है, इंडिया में 100 और पूरे वर्ल्ड में 1000 ऐसे लोग हैं जो चीज़ उनके पास है। अब डेफिनेटली वो चीज़ मुझे वही बंदे सिखा सकते हैं, कोई दूसरा बंदा वो चीज़ मैं नहीं सिखा सकता। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या मैं उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले 10 बजे के बाद मैं पढ़ता हूँ बुक्स। तो डेफिनेटली ये है मेरी डायरी जो कि एक गुड हैबिट है मेरे लिए। अब ये मैं रात के 10 बजे इसलिए करता हूँ क्योंकि रात के वक्त ही निगेटिविटी आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बंदा अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो कुछ अच्छा कर पाएगा, अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा, और पसीना आ चुका है तो जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, हमें ये सोच के चलना चाहिए। अब मेरे पास चल रही है ये बुक, और डेफिनेटली हम यहाँ तक देखो
ये 2 मई तक कंप्लीट हो चुकी है। ये दिख रहा होगा, ये देखो, ये यानी कि हमने कल तक पढ़ चुके हैं इसे, यहाँ तक 2 मई 2020 तक। इस बार चल रही हमारी थिंक एंड ग्रो रिच, सोची और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल की। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यार। अब देखो यहाँ पर बुक पढ़ते 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 पहले मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सोशल मीडिया चलाता था, आँखों पर जोर पड़ता था मोबाइल की लाइट से, तो रात को मेरे को ना नींद नहीं आती थी, काफ़ी दिक्कत होती थी, 1-1 बज जाते थे। लेकिन जैसे ही मैं बुक पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते 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 पढ़ते, मतलब 1/2 घंटा पढ़ूंगा, 1.5 घंटा पढ़ूंगा, जब कोई अच्छा कंटेंट होगा, मतलब कि पढ़ने में मज़ा आता रहेगा, तो मैं 1-1 घंटे तक भी पढ़ लेता हूँ, नहीं तो 1/2-1 घंटे मैं बुक पढ़ता हूँ। और उसके बाद इसके साथ ही ये हमारा देखो इधर दूध रखा है, इधर दूध रखता हूँ। और पानी की बात करूँ तो मैं दिन भर पानी ही पीता रहता हूँ, 90% टाइम में पानी ही पीता रहता हूँ, खाना बहुत कम खाता हूँ, मतलब पानी ही पीता रहता हूँ। आप भी पानी ज़रूर पीजिए इस सिचुएशन में। तो अब हमारा स्टार्ट होने वाला है आलोचना के डर के लक्षण। तो दोस्तों यह डर भी लगना उतना ही शाश्वत है जितना कि गरीबी का डर, और इसके प्रभाव भी व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए लगभग उतने ही घातक हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि यह डर पहल करने की शक्ति को नष्ट कर देता है। अब इससे पढ़ने से ये होता है कि मेरी एक तो फ्लुएंसी सही होती है, कुछ नए नए वर्ड्स आते हैं जो मुझसे पढ़े नहीं जाते, उनकी फ्लुएंसी भी सही हो जाती है। बट आप तक मैं वीडियो में तो यहीं तक पढ़ूंगा क्योंकि आपको बोर थोड़ी ना करना है। तो गाइस तो अब मैं तो ऐसे ही पढ़ता ही रहूँगा, आप मुझे बताइए कि डेली रूटीन के अगर ब्लॉग चाहिए, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं दिन भर में, तो मुझे बताइए आपको डेली रूटीन के ब्लॉग चाहिए तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा, अगर ये चाहिए तो आपको। तो आप सभी से इतना ही कहता है, बी पॉजिटिव, ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि आप बहुत आगे तक जा सकें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप को पॉजिटिव करने के तरीके तलाशेंगे, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।